सामाजिक संस्था श्री बिंद्रावन बाल विकास परिषद ने न्यू ईरा मॉडर्न पब्लिक स्कूल के सहयोग से एक सार्थक पहल की शुरुआत की है। संस्था ने बांके बिहारी कॉलोनी में आज निशुल्क 10 दिवसीय ताइक्वांडो शिविर का शुभारंभ किया, जिसके तहत बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के गुर सिखाए जाएंगे। शुक्रवार को न्यू ईरा मॉडर्न पब्लिक स्कूल में शुरू हुए इस शिविर का शुभारंभ परिषद के पदाधिकारियों द्वारा मां सरस्वती के चित्रपट पर दीप प्रज्वलन कर किया गया। ताइक्वांडो की प्रशिक्षिका अनीता शर्मा ने बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ आए दिन होने वाली छेड़छाड़ जैसी घटनाओं का किस तरह निपटा जाए इसके टिप्स दिए। उन्होंने बालिकाओं को बारीकी के साथ सुरक्षा के टिप्स दिए। बताया कि इस कला की शिक्षा के बाद बालिकाएं आसानी से अपनी आत्मरक्षा कर सकती हैं। बताया कि यह शिविर लगातार 4 जून तक जारी रहेगा, जिसमें किसी भी उम्र की बालिकाएं भाग ले सकती हैं। इस संबंध में संस्था की संरक्षक नवीन चौधरी ने जानकारी दी। वहीं प्रशिक्षिका अनीता शर्मा ने प्रशिक्षण शिविर के संबंध में जानकारी दी। आज बाल विकास परिषद द्वारा न्यू ईरा पब्लिक स्कूल में हमने ताइक्वांडो शिविर का उद्घाटन किया है, जिसमें करीब 30-40 बच्चे रोज इस शिविर में बालिकाएं अपना भाग लेंगी और आत्मनिर्भर बनने का इसमें शिविर में इनको शिक्षा मिलेगा, जिसमें हमारी मैडम हैं श्रीमती अनीता जी जो इनको सिखाएंगी। और ये 10 दिन का कार्यक्रम हमारी संस्था के द्वारा रखा गया है, जिसमें हमारी तरफ से तो सहयोग है और सर की तरफ से सहयोग है, जो न्यू ईरा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। ताइक्वांडो एक मार्शल आर्ट है, जिसमें हम हाथ व पैरों का प्रयोग हथियार के रूप में करते हैं। तो इसके माध्यम से हम बालिकाओं को ये प्रशिक्षण देंगे कि वे अपना खुद ही सेल्फ डिफेंस कर सकें। जैसे कि आजकल का माहौल बहुत ख़राब है, तो इसलिए ये बालिकाओं को इसकी शिक्षा देना बहुत ही ज़रूरी है। हर जगह ये दिया जा रहा है और हमारे स्कूल ने भी इसको अब बालिकाओं के लिए ही सिर्फ इस शिविर को निःशुल्क 10 दिवसीय आयोजन किया है इसका। कितने वर्ष तक की बालिकाएं शिविर में भाग ले सकती हैं? इसमें किसी भी एज ग्रुप की लड़कियां इसमें सीख सकती हैं। Now the RCMC Group is coming up with an educational institution, elite new generation international school at Mathura. This institution will be known international facilities with high academic standards. The group is committed for its quality management and will regularly strive to touch hearts and shape life of the people.